मित्रों, टीएफटी रंग संवाद के 35वें सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ टीएफटी रंग संवाद में चर्चा के लिए उपस्थित हैं उड़ीसा प्रदेश के प्रसिद्ध रंगकर्मी लेखक सुबोध पटनायक जी, जिन्होंने 45 छोटे नाटक, 27 जो है बड़े नाटकों का लेखन किया है। 1986 में नाट्य चेतना संस्था की स्थापना की, आप उसके संस्थापक निर्देशक हैं, और वर्ष 1992 में उड़ीसा से भुवनेश्वर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक रिमोट एरिया में आपने नाट्य ग्राम की स्थापना की। देश के ग्रामीण अंचल से विदेशों तक रंगमंच का प्रसार किया। शहर की बजाय देश के या अपने प्रदेश के गांव में जाकर रंगमंच करना और 100 से अधिक गांव के बीच में रंगमंच के माध्यम से आपने एक कनेक्टिविटी को पैदा किया। इसके अलावा विदेशों में आप यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, नीदरलैंड, फिनलैंड, श्रीलंका, नॉर्वे आदि अनेक देशों में जाकर रंगमंच के माध्यम से अपनी अच्छी पहचान बनाई तथा उन कलाकारों के साथ मिलकर भारतीय रंग परंपरा का भी आपने प्रसार किया। आइए मिलते हैं उड़ीसा के सुप्रसिद्ध रंगकर्मी सुबोध पटनायक जी का। हम अपने इस टीएफटी परिवार में स्वागत करते हैं। सुबोध जी, आपका धन्यवाद। आप आज इस टीएफटी रंग संवाद का एक हिस्सा बन रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबोध जी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई फील ऑनर्ड। थैंक यू सुबोध जी। दोस्तों, सुबोध जी ने बहुत बड़ा काम किया। इससे पहले हम सुबोध जी के साथ एक चर्चा करते हैं, उससे पहले इनके एक नाटक की हम झलक देखते हैं, जो इनका गीता नाटक है, गीता प्ले की छोटी सी झलक, ताकि हमें पता लगे किस तरह का, किस फॉर्म में आप काम करते हैं। जी, सुबोध जी का ये नाटक है गीता नाटक, जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, उसकी ये प्रस्तुति थी। आज की हम चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले सुबोध जी से ये जानना चाहते हैं कि सुबोध पटनायक जी का बादल सरकार के साथ जो इन्होंने काम किया, उनकी वर्कशॉप के साथ काम किया, सुबोध जी बादल सरकार के जो तीसरा रंगमंच है थर्ड थिएटर से बहुत प्रभावित हुए और उसी को अपनाते हुए इन्होंने काम करना शुरू किया। तो आइए सुबोध जी से पहले यही जानना शुरू करते हैं सुबोध जी आपसे कि बादल सरकार के साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा और थर्ड थिएटर के बारे में उनका किस तरह का विजन था, या वह उनके विजन को आपने अपने विजन के साथ किस तरह एक तालमेल बैठा के अपनी एक रंग यात्रा शुरू की, इसके बारे में अगर हम सब दर्शकों को जानकारी दें तो हमें अच्छा लगेगा। जी सुबोध जी। धन्यवाद। मेरा जो नाटक का जो ज्ञान, हमारा जो शुरुआत है, वो तो हमने स्कूल कैरियर में एनुअल ड्रामा में
हमारे ट्रेडिशनल एक फॉर्म है, बोलते हैं गीति नाट्य, उसमें हम काम करते थे। लेकिन जब हमने नाटक का पढ़ाई किया लोकली, यहाँ पे उत्कल यूनिवर्सिटी का एक 6 साल का कोर्स नाटक के चल रहा था उस समय, अभी 7 साल का है, और वो उत्कल संगीत महाविद्यालय में विजय महांती, अजीत दास, ये दोनों के एनएसडी से पास आउट होने के बाद 76 में ये खोला गया था। तो कोर्स में जो भी था वो सब एनएसडी के जैसे वेस्टर्न ड्रामा के ऊपर ही था। तो हमने उसी कॉलेज में पढ़ते हुए एक बार एक छोटा सा नाटक हमने किया था एनएसएस कैंप में, एनएसएस का मूवमेंट में हमने सोशल वर्कर भी थे, तो वहां पे देखा कि वो नाटक के बाद लोग तालियां तो बजाए, खुशी तो मजा तो लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने सब हमारे ऊपर गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद इन्होंने बोला कि आपने हमको नाटक के माध्यम से आपने हमको चैलेंज किया, आपने हमको क्रिटिसाइज किया। हमने बोला क्यों भाई, हम तो नाटक करते थे और ये वाइल्ड मैन का एक दिन का रूप था और इसमें छऊ मूवमेंट था, ये सब तो आपने मजा लिया, फिर ये क्या। लेकिन उन्होंने गुस्से में बोला कि नहीं नहीं, हमारे भीतर यूनिटी नहीं है, इसीलिए आपने यूनिटी के ऊपर ही नाटक दिखाए। उसके बाद हमारे भीतर एक सोच आया कि अरे भाई, हम तो जानते थे कि एक किस्म का नाटक होता है जो अम्यूजमेंट के होता है या मजा लेने के होता है, एंटरटेनिंग होता है, और उसका प्रोफेशनल काम होता है तो पैसा, टिकट, ये सब व्यवसाय का मंच का बात चलता है, और दूसरा होता है जो हमने पढ़ाई करने में डिस्कवरी हुआ कि कलात्मक नाटक भी होता है जिसमें हम कला का कुछ परीक्षण भी करते हैं और उसमें उस मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत काम होता है, उसका एक रुचि होता है और ये एक इसको कलात्मक दिग बोल सकते हैं। बट नाउ आई डिस्कवर कि देयर इज अनदर काइंड ऑफ थिएटर वेयर द पीपल आर नॉट वेरी मच लिमिटेड विद द कलात्मक पार्ट, ऑल्सो नॉट फुलफिल्ड देयर माइंड विद एंटरटेनमेंट, बट दे गेट डिस्टर्ब बाय द सब्जेक्ट ऑफ द प्ले। तो हमको लगा कि एक दूसरा किस्म का नाटक होगा जिसमें सब्जेक्ट का ज्यादा ध्यान देते हुए लोग लेंगे, वो तो जब काम होगा, जब नाटक चलता होगा तब तो मजा लेंगे, लेकिन नाटक के बाद उनके मन में बैठ जाएगा कि इसमें विषय क्या है, तो कहाँ है ये रूप। ये ढूंढते ढूंढते मैंने दिल्ली तक गया तो वहां पे बोला, मैंने एनएसडी से ही सुना कि पथप्रांत नाटक बोल के, स्ट्रीट थिएटर नाटक बोल के कुछ चीज है जिसमें यही होता है, नाटक का मजा तो लेते हैं लेकिन बाद में उसका संवाद, उसका विषय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जाके सफदर हाजमी के पास पहुंचे, 1987 का बात में कर रहा हूँ, और सफदर हाजमी से बात किया, भेंट किया। हमने बोला कि देखिए भैया, देखिए आपका नाम सब लोग बोल रहे हैं लेकिन आप आके हमको ट्रेनिंग देना चाहिए, वी वांट टू लर्न द फॉर्म ऑफ थिएटर। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि भाई आपने कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है? मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला अब कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है तो मैं ट्रेनिंग देने के लिए नहीं जाऊंगा। मैंने बोला नहीं नहीं, हम तो नाटक करना चाहते हैं, उसका कलात्मक दिख को देखना चाहते हैं, किस रूप में हम नाटक करेंगे, इसके माध्यम से कोई पॉलिटिक्स करना नहीं है हमारा मकसद। तो उन्होंने बोला अरे थिएटर ही पॉलिटिक्स है, थिएटर करना मतलब है पॉलिटिकल एक्शन, आप ऐसे क्यों नहीं समझते। मैंने बोला नहीं, मैं तो समझता नहीं हूं लेकिन आई वॉन्ट टू लर्न द फॉर्म ओनली। बोला नहीं नहीं सुबोध, ठीक है आप चले जाओ वापस, हम तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तुमको ये होगा, आइडिया होगा कि थिएटर इज ए पॉलिटिकल एक्शन, तब तुमको एक चिट्ठी लिखना है मुझे कि हाँ मैं समझ गया। लेकिन मैं वापस आ गया, बट दिस मेड मी क्रेजी मोर, ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद मैंने सुना कि उनका भी ट्रेनर है कोई, उनका नाम है बादल सरकार, लेकिन हम तो जो बादल सरकार को जानते थे हमारे कोर्स में था बाकी इतिहास, तो बाकी इतिहास का लेखक और फॉर्म ऑफ थिएटर विच विल प्रोजेक्ट द सब्जेक्ट और स्ट्रीट थिएटर, ये कैसे, दोनों में क्या तालमेल है। लेकिन सबने बोला कि नहीं वही है, वो एक दूसरे ढंग का नाटक करते हैं जिसमें सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फॉर्म। तो हमने बादल सरकार से ढूंढते ढूंढते कलकत्ता पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको मोटिवेट किया। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि मैंने इसीलिए मुझे लगा कि उनको
फ्लाइट फेयर देने से वो आएंगे, तो मुझे 1.5 साल लगा हर दिन 10 रुपया 15 रुपया करके एक जगह पे थैली में रखते हुए। जब मेरे पास 3,000 रुपया आया, क्योंकि मैंने गया था इंडियन एयरलाइंस का दफ्तर में, पूछा कितना पैसा लगता है भुवनेश्वर कलकत्ता भुवनेश्वर, उन्होंने 3,000 रुपया बोला था। उस समय एक ही फ्लाइट चलता था भुवनेश्वर टू कलकत्ता एंड बैक, और कहीं पे नहीं जाता था फ्लाइट। तो मैं गया और वो 3,000 रुपया का जो छोटे छोटे कॉइन नोट्स ये जितना था वो बैग लेके गया, इसीलिए कि उनको विश्वास होता होना चाहिए कि मैं सिंसियरली चाहता हूं कि एक ट्रेनिंग। तो वे बैग लेके उनके पैर पे पास रख दिया, मैंने बोला देखिए प्लीज आप आइए और नाटक का ट्रेनिंग दीजिए। तो उन्होंने हंसे, बोले नहीं नहीं तुमको कौन बोला मैं फ्लाइट वाला हूं, मैं तो सेकंड क्लास वाला हूं, मैं तो नॉर्मल क्लास वाला हूं, ट्रेन में जाऊंगा। तो उसी पैसे में इन्होंने सोचा कि 3 बार जाऊंगा। उन्होंने बोला कि पहले जाऊंगा, मुझे तुमको देखना है जानना है, और मैं बचपन में पूरी घूमने के लिए मेरे पिताजी माताजी से गए थे, हमने कभी नाटक के लिए नहीं गए। तो इसी ढंग से इन्होंने इसी बीच में 1989 में सफदर हाजमी का मर्डर हुआ और उनका जन्मदिन को नेशनल स्ट्रीट थिएटर डे ऐसा डिक्लेयर किया गया सहमत ग्रुप से। तो हमको लगा कि अरे वो कुछ सही कुछ बोल रहे थे क्या, पता नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हो, हमको लगता था कि हमको स्ट्रीट थिएटर का ट्रेनिंग लेना है और एक नेशनल स्ट्रीट थिएटर डे डिक्लेयर हुआ है। तो हमने बोला कि बादल सरकार जी से कि आप आइए, उसी पहला दिन में हमने मनाएंगे 12 अप्रैल को, उसको ऑब्जर्व करेंगे आपके स्पीच के माध्यम से, प्लीज कम एंड विजिट अस। तो उन्होंने आए, हमारा एक नाटक देखा स्ट्रीट थिएटर, हमने जो सोचा था जिस ढंग से सोचा था जो किया था, और उन्होंने स्पीच दिया, हमारे थिएटर लोगों से मिले। और हमारे भीतर एक प्रश्न था कि स्ट्रीट थिएटर क्या आर्टिस्टिक थिएटर है, इसमें क्या कुछ आर्ट है, इसको आर्टिस्टिक क्लेम कर सकते हैं क्या। तो उसके बाद इन्होंने हमारा आंखें खोले उस समय पहला विजिट में कि देखो भाई आर्टिस्टिक थिएटर भी होता हो सकता है, और ये अभी एक सेकेंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है नाटक के अंदर, हमारे नाटक अभी भी अंग्रेज के कब्जे में है, उन्होंने हमको पॉलिटिकली फ्री कर दिया। तो उन्होंने थर्ड थिएटर के बारे में इन्होंने बोला कि बोला देखो हमारे भारत में फर्स्ट थिएटर है जो हमारा नाटक है जो गांव में होता है, और दूसरा थिएटर यह है कि जो विदेश से आया है अंग्रेज के माध्यम से, और थर्ड थिएटर यह है कि ये दोनों को हम कर नहीं सकते क्योंकि हम हमारे पास उतना समय और उतना सुजोग उतना दम नहीं है कि हम रात भर नाटक करें, गांव में जाके इतने समय रह सकते हैं और उसको एक एक फॉर्म को सीखने के लिए इन्होंने 1.5 साल 2 साल लगाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि झट से रिहर्सल करके कर लेते हैं, हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्म है बहुत तकलीफ का बात है। तो इसीलिए हमने थर्ड थिएटर का रूप लेना चाहते हैं कि जिसमें ट्रेडिशनल थिएटर को रिपीट करता हुआ हिस्ट्री में वापस चले जाना ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मॉडर्न फॉर्म करेंगे, और दूसरा इसको नकल ना करके भी उनसे क्या क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं वहां से लेंगे क्योंकि वो मिट्टी का है, और दूसरा हम प्रूशियम का जो ब्रिटिश मॉडल का है उसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे जो सेकंड थिएटर है। तो इसीलिए ये थर्ड थिएटर का कुछ भी एक्चुअली कोई भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। वो बोलते हैं कि आप थर्ड थिएटर को पहचानने के लिए 2 चीज पूछो, ये क्या फर्स्ट थिएटर है क्या या सेकंड थिएटर है क्या, ये दोनों थिएटर में मेल नहीं खाता है किसी का नाटक तो वो थर्ड थिएटर है। तो ऐसे ही इन्होंने बताया। तो इसको लेके हमने हमारा रूप कैसा हो सकता है हमने सोचना शुरू किया, इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा नाटक का ट्रेनिंग देके हमको बताइए और हमको समझाइए कि ये आर्टिस्टिक थिएटर है। तो उसके बाद इन्होंने आए फिर 2 वीक्स के लिए 1992 में, 91 का पहला जो हुआ था तब आए थे अप्रैल में, उसके बाद फिर अगस्त में आए, फिर 91 में जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ हमारा मन नहीं भरा, हमको समझ में नहीं आया एग्जैक्टली हमारा उत्तर मिल गया है। हमने बोला ठीक है आपका सब तो जो टेक्निक है हमको तो मिला, लेकिन आप खुद अपना ग्रुप के माध्यम से नाटक कीजिए हमारे सामने,
हमको देखना है कि आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने शताब्दी ग्रुप को लेके भुवनेश्वर आए और हम एक छोटा सा एक फेस्टिवल बनाए जिसमें इन्होंने नाटक किया, बहुत लोग भरा हुआ था। दो नाटक किया इन्होंने, हट्टोमालार ओपारे और दूसरा है मिचील, ये दोनों नाटक इन्होंने किया और खुद भी एक्टिंग किया। तब हमको पता चला कि हाँ ये भी दम का नाटक हो सकता है, जो आर्टिस्टिक जो बोलते हैं वो आर्टिस्टिक वाले भी यहाँ से ले सकते हैं, कोई नॉर्मल पब्लिक है वो भी उसका कंटेंट ले सकता है, कोई रिसर्चर है जो एंटरटेनर है वो भी उसमें से एंटरटेनमेंट भी ले सकता है, ये तीनों का चीज यहाँ पे आ सकता है। तो वही हुआ हम उनके साथ हमारा रिश्ता। उसके बाद हमने खुद कुछ चीज में मेल नहीं खा रहा था, लेकिन क्योंकि उनको हर समय उन्होंने इंसिस्ट कर रहे थे कि चारों तरफ ऑडियंस होना चाहिए, इसको इंडियन बनाने के लिए एक ही तरीका है। तो हमने लेकिन नाट्य शास्त्र में पढ़ा कि हमारे पास 2500 साल पुराना एक मुखी मंच का डिजाइन है, तो हम क्यों ब्रिटिश लोगों का 200 साल पुराना एक मुखी मंच को क्यों लें, हमारा नाटक हमारे पास हो सकता है, एक मुखी मंच के लिए भी हो सकता है, इसीलिए उसको लिया हमने। और दूसरा जो चारों तरफ का जो ऑडियंस हमारे मन नहीं भर रहा था, आई एम ए साइंस स्टूडेंट, तो हमने हर समय सोचा कि हम चारों तरफ ऑडियंस होंगे तो फिर किसी ना किसी को हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा एक्शन में, क्योंकि मेरा जो मुंह है ये लेफ्ट साइड में ज्यादातर इतना तक जा सकता है, फिर नहीं तो इतना तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, तो इसके पीछे जो लोग रहेंगे वो तो मिस करेंगे मेरा कुछ भी एक्शन हो तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, हम तीन साइड ऑडियंस वाले हम करेंगे गांव में घूम घूम के ओपन एयर, और दूसरा हमने पूरा करेंगे ऑडिटोरियम में जैसे एक मुखी मंच होता है, ऐसा ही एक मुखी मंच में लेकिन भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार। तो हमने डिसाइड कर लिया कि यस वी आर रियली नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन द एरिना ऑफ थिएटर, वी आर स्टिल इन देयर प्रिजन। तो हमको एक मुक्ति संग्राम जो चल रहा है जिसमें बादल सरकार, कन्हैयालाल जी, हबीब तनवीर जी, के एन पन्नीकर जी, विवेकानंद जी, ये सब जो लड़ाई कर रहे हैं ये सब सेनापति हैं, और उनके बाद कौन आएगा ये सोच के संगीत नाटक अकेडमी का जो दूसरा एक 10 साल का एक स्कीम चल रहा था, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर्स, जिनको पैसा दिया जाता था कि आप भी इंडियन मॉडल ऑफ थिएटर क्या हो सकता है रिसर्च करके दिखाओ, उसी में ही उनके नेक्स्ट बैच में आ गए जैसे कि हमारे रतन थियाम जी, प्रबीर गुहा जी और सतीश आनंद जी और ये प्रसन्ना भाई, ऐसे बहुत सारे कुछ लोग हैं दूसरे दूसरे इलाके में। हमारे इधर ईस्ट जोन में पहला ही फेस्टिवल में रतन जी आए थे, प्रबीर गुहा आए थे और ये सतीश आनंद भाई भी आए थे। तो ऐसे ही हमने देखा कि कुछ लोग इसमें पूरा स्वाधीनता संग्रामी जैसा जीवन को इसको एक टेम्पररी फॉर्म जैसा ना लेके उसको एक विश्वास जैसा लेके उन्होंने काम करना शुरू किए। इसी धाड़ी में, इसी क्यू में हमारा बारी आया 1992 में, जब हमारा 91 में बादल सरकार से काम खत्म हुआ, उनका इंस्पिरेशन से हमने एक नाटक इंडियन थिएटर बनाएंगे बोल के अप्लाई किया था, काठो बोल के वो नाटक का नाम है, जिसलिए हमारा पहचान बना भी 1992 में। उड़ीसा के एक स्क्रिप्ट हमारा ही सिलेक्शन हुआ था उसी लाइन पे, वो 1994 में ये बंद हो गया, तो उसमें से और कुछ लोग आए स्वाधीनता संग्रामी बनने के लिए, सैनिक बनने के लिए, ये सब बड़े बड़े सेनापति के इंस्पिरेशन लेके। तो उसी के बाद ही हमने हमारा दो किस्म का नाटक हमने कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा अनुभव है आपका, और सबसे बड़ी बात है ये कमाल की बात है कि बादल सरकार को अपने यहाँ बुलाने के लिए आपने रोज कुछ कॉइन इकट्ठे करने शुरू किए, 3000 इकट्ठे करके उनके पास दिए कि ये एयर का टिकट है, इसके लिए तो आपको सलाम है, आपके जज्बे को, आपकी यात्रा को बहुत बड़ा काम। इस तरह की प्रेरणा लेकर, इस तरह का
जिसे हम कहते हैं कि पैशन, जो जिसे हम कहते हैं कि जुनून, कि उस जुनून से आप ढूंढते हुए सफदर हाशमी के पास जा रहे हो और सफदर हाशमी जी आपको किसी पॉलिटिकल या किसी और एक विचारधारा में बांधने चाहते, तो आप एक खुले मन से रंगमंच में जाना चाहते हो, कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो, बादल सरकार के पास जाते हो, और जिस तरह से उस विजन के साथ उनको लेकर आपने थर्ड थिएटर को समेटते हुए अपना एक नाट्यग्राम की जो स्थापना की, ये कमाल की अद्भुत की बात है। ज्यादातर जितने भी लोग जो है डिपार्टमेंट से पास होते हैं, ड्रामा से पास होते हैं, उनकी एक शिकायत रहती है जीवन भर कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वह इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आप बात कर रहे हो कि वह अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, उस थिएटर को हमने नहीं अपनाना है, हमने अपने ट्रेडिशनल थिएटर को अपनाना है। उसे ध्यान में रखते हुए आप शहर से दूर 35 किलोमीटर दूर एक जो है रिमोट एरिया जहां आज भी सिग्नल नहीं आता है, आप सिग्नल के लिए वहां से भुवनेश्वर इस मीटिंग के लिए आए हो, तो उस जगह को आपने तय करके वहां पर एक नाट्यग्राम की संरचना की, तो सुनने में आया कि आपके पास वो 6 एकड़ जमीन है जिसकी आपने स्थापना की वहां नाट्य चेतना की। नाट्य चेतना आपकी संस्था तो पहले बन गई थी, लेकिन नाट्यग्राम जब आपने बनाया तो इस नाट्यग्राम के बीच में अभी काफी हद तक आपका हमें जो विजन है वो समझ आना शुरू हो गया, जो बादल सरकार के साथ आपने बात की, तो नाट्य जो है ग्राम की जब आपने स्थापना की तो उसको कैसे आपने संरचना की, किस तरह का वहां का मॉडल बनाया, तो मुझे लगता है कि ये मॉडल पूरे देश के सभी रंग कर्मियों को पता चलना चाहिए कि वह अपने अपने क्षेत्र के बीच में, अपने अपने ग्रामीण एरिया के बीच में उसकी स्थापना करें। दोस्तों ये जो है नाट्यग्राम का जो है एक दृश्य है जिस जगह पे इन्होंने ये विस्तार किया है, ज्यादातर उसमें बेम्बो को काम किया है। ये एक थिएटर है जो 3 डायमेंशन जिसकी अभी ये बात कर रहे थे उसके बारे में इनसे चर्चा करेंगे। जी सुबोध जी बताइए जरा। हाँ एक्चुअली क्या हुआ, पहला तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हमको समझ में आया कि थिएटर में भी ये पॉलिटिकल एक्शन, क्योंकि इसमें अच्छा और बुराई के भीतर युद्ध दिखाते हैं हम, लेकिन मुझे सफदरजी से उतना ही बोलना था शायद कि मैं हाँ पॉलिटिक्स हो सकता है लेकिन मैं पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा उत्तर होना चाहिए था। और उसके बाद जब बादल जी ने हमको जब समझाया कि नहीं यू हैव टू गिव अ मैसेज एंड देयर हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन टू फोर्सेस, तो जो नॉर्मल है जो नाट्यशास्त्र में भी ड्रामाटर्जी में भी लिखा गया है, उसके बाद हमने सोचा कि नाटक का जो कर्मी होते हैं वो कर्मी अपना पर्सनल जीवन और प्रोफेशनल जीवन ऐसा अलग नहीं करना चाहिए। हमारे पास आर्टिस्ट जो एक्टर होते हैं, एक्टर का एक परिभाषा हमने निकाले हैं, जैसे कि ए में आर्टिस्ट, सी में क्रिएटिव, टी में टीचर, ओ में ऑर्गेनाइजर और आर में रिसर्चर। ये जो 4 भूमिका है एक्टर का, ये एक्टर का ये 4 भूमिका अकेला प्रोफेशनल लाइफ जैसा कोई नौकरी जैसा करने में नहीं होता, हमको इकट्ठे सोना है, इकट्ठे रहना है और इकट्ठे चिंतन करना है और इकट्ठे खाना पीना सोना सब कुछ करना है। इसीलिए हमने सोचा कि हमको एक नाट्यग्राम बनाना ही, तो 20 लोग इकट्ठे रहेंगे, काम करेंगे और अपना सब कुछ वहीं से निकलेगा, ये सोच के हमने 6 एकड़ का जमीन हमने खरीदा। और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का लिंक हो, क्या पॉलिटिशियन का लिंक हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान का लिंक हो या कोई कॉरपोरेट का लिंक हो, ऐसा कोई कंट्रोल सिस्टम का लिंक ना हो के कैसे हम इसको बनाएंगे। तो हम क्या करते थे, हमने नाटक करते थे और जो भी नाट्य भिक्षा हो या डोनेशन हो या कोई प्रोजेक्ट सपोर्ट भी हो उसमें से बचाते 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 जब मार्च होता था, मार्च 31, उससे पहले हमको पता चलता था कि इस साल हमने 1.25 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख हमने सेविंग्स किया है, तो उसको लेके हमने
खुद डिसाइड करते थे कि हमने क्या करना चाहिए। इसीलिए हमारे पास पूरा पैसा खाली हो गया जब हमने खरीदा ये 5-6 एकड़ का जमीन, और उसके बाद फिर हमको 2-3 साल लगा रुकने के लिए। और 93 में हमारे पास जब पैसा आया तो हमने पहला कॉटेज बनाए, उसके बाद फिर रुक गया। फिर 95 में हमारे एक राउंड शेप हमने देखा, प्रोबिद्दा के आखरा देखा, तो आखरा में देखा कि हमने गोल घर करके हमने इन्होंने एक रिहर्सल बना रहे हैं। तब हमारा थोड़ा पॉलिटिकल सेंसिटिविटी आ रहा था कि हमने क्यों क्लासरूम में लाइन पे बैठेंगे जैसे चर्च में बैठते हैं, क्यों हमने सर्कल में नहीं बैठते, और जब भी बैठते भी है सर्कल में तो व्हाई वी विल सिट डाउन इन ए स्क्वेरिश हॉल, व्हाई नॉट ए राउंड शेप हॉल। तो इसीलिए हमने राउंड शेप हॉल को बहुत पसंद हुआ और हमने इधर आके वो बनाए, और वो 95 में हो गया। और उसके बाद फिर 96 में उन रहने के लिए सोने के लिए 20 लोगों का एक हॉस्टल जैसा कुछ रूम हो, इसीलिए 2 रूम बनाए लड़कियों का और लड़कों का। ऐसे धीरे 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 अभी 30 साल हो गया है, इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास हमको ये भी डिसीजन लिया गया कि इसको हम शहर जैसा कोई लॉन और डेकोरेटिव स्पेस कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही वाइल्ड रखेंगे। गांव का पथ जैसा होता है मिट्टी का ऐसे रहना चाहिए, गांव का पोखरी होना चाहिए, गांव का जितने सारे अलग अलग ढंग का पेड़ पौधा है वही होना चाहिए। तो ऐसी ढंग से ही इसको रखा गया है, तो इसीलिए कोई आके देखेगा उसको ऐसा कोई सजावट नहीं है, बट इट इज ए वेरी क्रूड थिएटर विलेज वेयर एक्टर्स लोगों के लिए सब कुछ करने के लिए उधर है। कोई रिसर्च करना चाहता है, कोई क्रिएचर को फॉलो करना चाहता है, कोई पेड़ पौधों को फॉलो करना चाहता है, मेघ को फॉलो करना चाहता है, तारे देखना चाहता है, चांद देखने को चाहता है, सूरज देखने को चाहता है, तो सब कुछ वहां मिलेगा। और इतना लोनली स्पेस है कि जितना चिल्लाओ कोई नहीं बोलेगा कि क्यों इतना चिल्ला रहे हो, कोई बाजा बजाने के लिए सोचेगा तो जितना बजाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए वहां पे एक क्रिएटिविटी के लिए सब कुछ कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सब लोग इकट्ठे खाए, एक मेनू में खाए, विच विल बी एन एक्सरसाइज कि हम सबका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हुए भी हम एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। सो ये एक ग्रुप डायनामिज्म का एक्सरसाइज होगा। तो हम सब इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे खाते हैं, एक ही मेनू में खाते हैं और एक समय में काम करते हैं। तो वहां पे आज तक हमने कभी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, कभी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं रखा, कभी लीव एप्लीकेशन नहीं लिया, किसी को सैलरी बोल के कुछ नहीं दिया, हमने किसी को रिपोर्टिंग के लिए बाध्य नहीं किया कि भाई तुम सुबह 6:30 बजे ही करना है, नो ऑफिस टाइमिंग, ऐसा कुछ नहीं। जो मर्जी करे लेकिन सब साथ में मिलके जो डिसाइड करे वही करे। तो इसी ढंग से हम आज तक कर रहे हैं, लेकिन सब ऑफिशियल काम भी हो रहा है। हमारे एक्टर कोई हमारा अकाउंट्स काम देख रहा है, कोई म्यूजिक, हमारा एक म्यूजिक डायरेक्टर था जो हमारे अकाउंट्स काम देखता रहा बहुत दिन तक। अभी ऐसी ढंग से ही हमारे भी कोई स्टाफ जैसा कोई अपॉइंटेड कोई क्लर्क नहीं है उधर। तो इसीलिए हम हमारे भीतर ही कैसे चलना है एक संस्था, इसी ढंग से चलते रहे। तो इस संस्था का, जैसे कि हम कहते हैं कि ये संस्था आपकी जो नाट्यग्राम में चल रही है, तो इसमें किस तरह से उनकी पर्सनल लाइफ का क्या संबंध रहता है और प्रोफेशनल का क्या संबंध रहता है, उसमें कैसे तालमेल बन पाता है? ये एक्चुअली क्या होता है कि हम चाहते हैं कि सब लोगों का सुख दुख का साथी दूसरे लोग हो। जैसे कि हमारा ऑफिस मतलब काम करने का समय सब अलग होता है, तो इकट्ठे मिलके कहीं श्रमदान दिया, इकट्ठे होके कुछ बातें की और कुछ अपना खुद का कुछ बनाया, या तो अपने घर को चिट्ठी लिखा, जो भी है हमारे भीतर रिलेशनशिप ट्रांसपेरेंट हो, और हमारे भीतर भी कुछ जो व्यक्तिगत बातें बातचीत ज़्यादा हो। हम हर लोगों का, हमारे जितने सारे साथी हैं, हम चाहते हैं कि उनके घर परिवार लोग इधर आए और हम उनको भेंट किए, और हम भी जाएं उनके गांव जाएं, उनका पिताजी माताजी को देखें। तो ये सब हमारा एक घरेलू एक परिवार जैसा कैसा एटमोसफियर रहेगा, ऐसे ही करना है। इसीलिए कोई छुप के कुछ नहीं कर सकता। मेरा ये बोलना है कि हमारे जो प्राइवेट लाइफ है कुछ छुप के नहीं कर सकता। हमारे उधर चाय पान बीड़ी सिगरेट दारू ऐसा कुछ भी नहीं चलता।
तो इसीलिए कोई छुप छुप के भी ये कर नहीं सकता। तो यही है हमारा जो प्रिंसिपल है, जो प्राइवेट जो लाइफ है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग बड़े बड़े सर्टिफिकेट धारी और इवन एनएसडी पास आउट हो या हमारे डिपार्टमेंट के पास आउट हो, लोकली कोई यूनिवर्सिटी हो, पीएचडी होल्डर हो, बहुत सारे लोग कुछ काम नहीं कर पाते, कुछ करने का घटना नहीं घटता उनके हाथ में, ओनली बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल प्रॉब्लम। किसी के साथ किसी का अभ्यास नहीं है दूसरे के साथ कैसे आचरण करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। किसी के पास बहुत घमंड है, किसी के पास बहुत कुछ ज्ञान है जैसा कुछ का, और बड़ा बजट का कुछ एक्सपोजर है तो उसमें से नीचे आने का कोई जरूरत नहीं समझता। ऐसे बहुत सारे कुछ होता है जिसके लिए हमारे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए हमारा प्रोफेशनल लाइफ बहुत हैम्पर होता है। बहुत कुछ एक दो चीज मिलता है तो उसके बाद निकल जाते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे पर्सनल फीडबैक देना लेना, आपका ये मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने क्यों मुझे इतना डांटा, ये भी हमारा बातचीत होता है आफ्टर द क्लासरूम। बहुत बहुत अच्छी बात है सुबोध जी। इससे बात हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जो नाटक है या आपकी जो थिएटर की थेरेपी है वह दो तरह की है, उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हमारे कुछ बहुत सारे मित्र हैं जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका नाम जरूर लेना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। हरविंदर सिंह जी हैं हमारे साथ, सुशांता दास जी हमारे साथ हैं, सोवित बंदोपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सुखलता प्रधान जी हमारे साथ हैं, गुरप्रीत बैंस जी हमारे साथ हैं, पोएस्ट हैं, निम्मी वशिष्ठ जी हमारे साथ हैं, मिताली अरोड़ा जी हैं हमारे साथ, ज्ञान अर्जुन साथू जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिका है, आशीष शर्मा जी हैं, अर्णव शर्मा जी हैं, शुभम शर्मा जी हमारे साथ हैं, शुभलता प्रधान जी हमारे साथ हैं, इनका नाम आ चुका, पीआर प्रणव शर्मा जी। दोस्तों आप सभी का इस टीआरपी रंग संवाद में स्वागत है, धन्यवाद है। आपके प्यार के कारण, आपके जो सहयोग है उससे हमें और प्रेरणा मिलती है ताकि हम और जो देश के प्रसिद्ध रंगकर्मी है उनके साथ बातचीत करके वहाँ का जो रंगकर्म है आप तक पहुँचाने का ये एक प्रयास है, ये एक छोटी सी कड़ी है जो टीएफटी लगातार इस रंग संवाद के माध्यम से कर रहा है। तो सुबोध जी हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की आपकी उस टाइम जो थ्योरी है नाटक को लेकर पेशकश करने की, उसको आपने अपने एक अलग से नाम भी दिए हैं, उनके बारे में हमें जरूर जानकारी दीजिए। हमने दो किस्म का नाटक हमने चिंतन किया। हमने जब देखा कि स्ट्रीट थिएटर हमने स्ट्रीट सिटी में किया, अर्बन एरिया में, भुवनेश्वर में किया, तो देखा कि वो जमता नहीं है। मतलब पहले तो बहुत शोर होता है बाहर, दूसरा जो सब लोगों का भागा दौड़ी जीवन में, कोई कोई लोग ठीक समय से नहीं पहुंचते हैं, कोई दूसरा देर से पहुंचता है तो पहला लोगों को पूछता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या बात कर रहे हैं, ऐसे करते हमें कुछ कनेक्शन नहीं ठीक से मिला। उसके बाद हमको लगा कि नहीं, हम इसको ले जाएंगे गांव में, क्योंकि गांव में उस समय में क्या किया हमने, शाम को उनको गांव में हमारे जितने सारे थिएटर फॉर्म है पूरा लंबा समय का होता है, रात भर का भी होता है, तो इसीलिए हमने शाम को 1.5 घंटे का 2 घंटे का नाटक लेके जब गए तो गांव लोग हमारे ऊपर गुस्से भी हुए, बोले कि क्या बात करते हैं, हमने इतने दूर से आए हैं, पैदल चल के इतने दूर से आए हैं, अब 2 घंटे में काम खत्म कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम वापस कैसे जाएंगे, आप उसी नाटक को 4 बार कीजिए रात भर, हम देखेंगे लेकिन यहीं पे रहेंगे। ऐसे हमारा बहुत सारे घटना हुआ है जीवन में। तो उसके बाद हमने देखा कि नहीं, गांव में दिन में जाएंगे, सडनली करेंगे, विदाउट नोटिस करेंगे, और मैक्सिमम 1/2 आवर मिलेगा कोई रुक जाए तो, और गांव वाले रुक जाते हैं, कुछ कुछ होता है उनके भीतर, एक होता है ओब्लिगेशन जैसा कि कोई मेहमान आया जैसा ऐसे उनको लगता है तो रुक जाते हैं, कोई बोलता है तो रुक जाते हैं, उनके भीतर इतना भागा दौड़ी नहीं रहता। तो इसीलिए हमने गांव में जब हम लेके गए गाड़ी तो हमने देखा कि उनके गाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान गया नाटक को छोड़ के, क्योंकि 1/2 घंटे का नाटक उनको तो भुगता उनको तो उसका भूख मिटाएगा नहीं, उनका तो रात भर का नाटक देखने का आदत है,
तो इन्होंने बहुत सारे जगह पे हमारे नाटक भी नहीं देखे, रादर दे वर अराउंड आवर व्हीकल, और बच्चे हमारे व्हीकल को छोड़ के और कहीं नहीं गए, उनके भीतर गोलमाल हुआ कौन बैठेगा ड्राइवर सीट में, ऐसा कुछ होता होने लगा। तो देन वी थॉट वी विल हैव ओनली साइकिल विच वॉज द ओनली व्हीकल इन द विलेजेस टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो साइकिल में हमने एक्सपेडिशन करना शुरू किया, चाहे रास्ते में नदी आए, चाहे में जो भी कुछ पहाड़ी आए, जो भी है, हम साइकिल में नाटक लेके जाएंगे। इसमें इंटरेस्टिंग ये हुआ कि हमने नाटक जब साइकिल में लिया तो उसमें सेटिंग्स वगैरह नहीं ले सकते, देन इट रियली बिकम ए मोर इंडियन थिएटर बिकॉज आवर इंडियन थिएटर इज बेस्ड ऑन आवर एक्टर्स, इट्स ए एक्टर्स मीडियम, उनका बॉडी, उनका वॉइस, उनका आहार्य जितना है, इसको लेके इन्होंने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा वो नाटक थोड़ा फिजिकल थिएटर जैसा किसी ने बताएंगे। तो लेकिन हमने ये नाटक हमने किया, साइकिल एक्सपेडिशन किया, और एक्सपेडिशन इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने 100 किलोमीटर से कम कभी नहीं गए, सबसे लंबा 700 किलोमीटर तक साइकिलिंग किया और ऑन द वे 70 परफॉर्मेंस किया, और हर साल हमने 300, 350, 200, 400 किलोमीटर साइकिल एक्सपीडिशन करते रहते हैं। ऐसा 51 बार हो चुका है, 51 टाइम्स वी हैव डन साइकिल एक्सपीडिशन एंड क्रॉसिंग अबाउट 10,000 किलोमीटर ऑलरेडी। तो अलग अलग नाटक है, लेकिन ये जो नाटक है ये दिखने में पथप्रांत नाटक जैसा आजकल के जो चलता है प्रचार करने के लिए, प्रोपागंडिस्टिक थिएटर जैसा चलता है, ऐसा नहीं है, ये पूरा नॉर्मल थिएटर है। इसीलिए हम पूरा रिसर्च करते हैं, जिस एरिया में हम साइकिल चलाएंगे उस एरिया के अलग अलग गांव में हम जाके रात में सोते हैं, और वहां से हमने वहां का टेक्सटाइल क्या है, वहां का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, वहां का ट्यूनिंग क्या है, वहां का पॉलिटिक्स क्या है, वहां का हिस्ट्री क्या है, वहां का फोक स्टोरी क्या है, ये सब हम वहां से कलेक्ट करते हैं। वो रिसर्च करने के बाद वहां वापस आते हैं नाट्यग्राम और उसको तैयार करते हैं, और तैयार करने के बाद फिर उसी रास्ते में जा रहे हैं जाएंगे जहां पे हम परफॉर्मेंस करेंगे उनके जीवन के ऊपर। तो हम आज तक हमने शपथ लेके कोई ट्रांसलेशन नहीं किया, कोई दूसरे जगह से कोई दूसरा भाषा से कुछ नहीं लिया, जो भी किया हमारा ओरिजिनल प्लॉट है, ओरिजिनल हमारे प्रॉब्लम है, या तो मैक्सिमम हमारे लिटरेचर है, उड़िया लिटरेचर है जो जीवन के साथ कनेक्शन है। तो ऐसे ही ढंग से हमने साइकिल एक्सपेडिशन जब नाटक किया उसको हमने साइको थिएटर बोल के नाम दिया। पहले तो इसको नाम दिया था PSYCHO करके साइको थिएटर, लेकिन साइको थिएटर जब बोलना शुरू किया उस स्पेलिंग में तो लोगों ने सोचे कि ये पागल लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने उसको CYCO में चेंज कर दिया, क्योंकि हमारा साइकिल बिकेम आवर ओन आइडेंटिटी। क्योंकि दुनिया में कितना ग्रुप होंगे जो साइकिल में नाटक लेके घूमते रहते हैं, तो इसीलिए हमने साइकिल लेके हर साल हमने ऐसे घूम घूम के नाटक करते हैं। ये रहा साइको थिएटर फॉर विलेजेस। और दूसरा, हम जो मिडिल क्लास लोग या अपर क्लास लोग जिनको हम भेंट करते हैं हमारे ऑडिटोरियम में, हमारे जो सिटी में अर्बन एरिया में, ऐसे अर्बन एरिया में हम नाटक करना चाहें, तो उसके बाद हमने देखा कि उड़ीसा में बहुत सारे जिला है, इवन जिला हेडक्वार्टर में भी एक ऑडिटोरियम नहीं है, कोई ऐसा हॉल नहीं है। तो लेकिन हमको ये अच्छा हुआ कि नाट्यशास्त्र से जब हमको मिला कि हमको विंग्स के तरफ एग्जिट नेपथ्य का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो पीछे के तरफ है और दो द्वार है अभिनय स्थल को आने के लिए, और मंच के ऊपर, मंच के साइड में, हम मंच के ऊपर ही है जो ये जैसे कि ये स्टेज है, ये दो द्वार के भीतर जो वॉल है उसके सामने ही बैठते हैं हमारे म्यूजिशियंस। तो ऐसे ही जो चलता है, जो रंग शीर्ष में बैठते थे उसी को हमने थोड़ा अडॉप्ट कर लिया। हमने अडॉप्ट करके तीन तरफ हम पूरा का पूरा हमने लगा लिया हमारा बड़ा बड़ा कॉटन, और उसके सामने 3 फीट का एक सेपरेशन हमने भी दिया, जिसमें हम उसके पीछे वाले एरिया को हमने नेपथ्य बोला। तो उसके दो साइड में जो एंट्री होता है, दो द्वार जैसा, उसको एंट्री पॉइंट लिया। तो ये दूसरे ढंग का हमने पूरा का पूरा स्टेज स्पेस को डिजाइन कर दिया,
जैसे ये आपने देख रहे हैं कि एक यहाँ पे सेटिंग्स होता है, ये इंटीमेट थिएटर में हम सेटिंग्स लगाते हैं, और सेटिंग्स में भी हमने सीखा है हमारे ट्रेडिशनल थिएटर में कि उन्होंने कैसे 300 साल 400 साल 500 साल कैसे बचे। वो इसीलिए बचे कि वो लो कॉस्ट था और पोर्टेबल था। ये दोनों को आंखों में रखते हुए हमको लगा कि बांस का लाठी या बांस, यही बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जो आम जनता को नॉर्मली कहीं पे भी मिल सकता है। और हम तो स्काउट थे, स्काउट में इसी लाठी को लेके उसको धागे में लगा के उसको स्ट्रक्चर बनाते थे, गैजेट्स बनाते थे जंगल में जब कैंप लगता था, तो उसी जो नॉट्स का सिस्टम को लगा के हमने बांस का हमने लिया बहुत सारे डिजाइन्स। तो हर एक नाटक में हमारा बांस का ही हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और दूसरा कि ये स्ट्रक्चर कभी रियलिज्म को नहीं फॉलो करेगा, जो प्रोसिनियम थिएटर में ज्यादातर चलता है, कोई रियलिज्म नहीं है। तो ये देसी भी लगेगा बांस का चीज, और दूसरा ये वही एक्टर्स लोग ही तैयार करेंगे, कोई टिपिकल टेक्नीशियन कारपेंटर वगैरह कोई किसी के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ेगा, जो हमने सीखा है ट्रेडिशनल थिएटर से। तो उन्होंने अपना खुद का सब कुछ खुद करते हैं, अपना गांव वाले ही करते हैं सब। तो इसीलिए ऐसे ही हमने इंटीमेट थिएटर बोल के उसको किया, क्योंकि हमने उसको कहीं पे भी जाके कर सकते हैं। क्योंकि हम छत के ऊपर करें तो एक तरफ हम तीन वॉल बना दिया, हमारा स्टेज बना दिया, दूसरे जगह पे लोग क्लोजर टू अस बैठे और नाटक देखें, नो प्रॉब्लम। जो हमने बादल जी से हमने सीखा है, देखा कि इतना नजदीक होते हुए भी नाटक करने में भी बहुत अच्छा रस उत्पत्ति होता है, जो पहले हमारा ज्ञान नहीं था। तो इसीलिए हमने धीरे धीरे उसको चिंतन करते करते दो तीन कंसिडरेशन लिया। पहला, उसका जो कंटेंट होगा वो जिस लोगों ने देखेंगे उनके साथ उनका रिश्ता होना चाहिए, सो दैट विल बी इंटीमेट, द सब्जेक्ट विल बी वेरी इंटीमेट टू देम। देन द फॉर्म ऑफ थिएटर, इट हैज टू बी ऑल्सो वेरी इंटीमेट टू देम। और तीसरा, जो स्पेस है वो भी उनको इंटीमेसी दे सकता है। बट दैट डजंट मीन कि हमको कभी कोई बुलाए, हमको नंदीकार जैसा लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता में 4-6 बार बुलाए हैं। हमने वही एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में भी किया है नाटक, वहीं पे प्रोसिनियम जैसे दूर में बैठे हैं लोग, बट दे ऑल्सो फील वेरी इंटीमेट, दे ऑल्सो फील वेरी क्लोज। तो इसीलिए हमने इसको इंटीमेट थिएटर का नाम दिया, और उसको हमने अभी इसी ढंग से ही नाटक करते हैं। और उसका अबाउट 27 प्रोडक्शंस वी हैव ऑलरेडी, न्यू प्रोडक्शंस वी हैव डन विथ ऑल बैम्बो स्टिक्स एंड ऑल दैट, दैट इज हाउ वी कुड कैरी इट टू एनी प्लेस। हमने 250 लाठी का एक सेटिंग्स जो था काठो बोल के नाटक, उसको लेके चंडीगढ़ में गए थे। चंडीगढ़ में हमको बलवंत भाई ने बुलाए थे, तो हमने गए थे एक बार, हमने नाटक किया था उधर, और सब ट्रेन में चला गया, क्योंकि 5.5 फीट का लाठी है, वो बंडल करने से 25-25 का 20-20 का इतना बड़ा सा होता है, और सबके जो सीट होता है ट्रेन का उसके नीचे आ जाता है, बस काम खत्म। तो इसीलिए हमने इसी को सेल्फ रिलायंट, कम खर्चे का सेल्फ रिलायंट काम मानते हैं। लेकिन दोनों में हमारा पैसा ज्यादा खर्चा होता है उसका तैयारी करने में। एक बार तैयारी हो गया उसके बाद कोई पैसा ना दे तो भी हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन पहला इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स होता है, उसमें रिसर्च वर्क होता है, फील्ड विजिट होता है, उसके लेके वर्कशॉपिंग हमारा जबरदस्त लंबा समय के लिए होता है, तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा पैसा जाता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम 2 घंटे शाम का 3 घंटे का रिहर्सल में हमारा जीवन नहीं डालेंगे, नाटक को पूरा जितना जो फाइनल प्रोडक्शन होगा जिस सेटिंग्स में, वो सेटिंग्स हमारा पहला दिन से लग जाता है नाट्यग्राम में, और उसी में से ही कंपोजिशन शुरुआत होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जो एक्टर लास्ट बट वन डे ही विल और सी विल सी द सेटिंग्स ऑन द स्टेज, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसीलिए हम फुल टाइम का बात करते हैं, प्रोफेशनल होने के, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आने लाने के लिए उसको प्रोफेशनल टाइमिंग भी देना पड़ेगा, इसीलिए सबका खाना रहना ये सब हमारे खर्चे में आ जाता है। क्योंकि 20 लोग इकट्ठे रह जाते हैं 2 महीने के लिए, तो उनका खाने का खर्चा भी बहुत बड़ा होता है।
तो यही सब है। बहुत अच्छी बात है सुबोध जी, मैं अपने सभी दर्शकों के साथ भी ये शेयर करना चाहता हूँ, जिस दो थेरेपी के ऊपर इन्होंने काम किया है, साइकिल एक्सपीडिशन, साइकिल के माध्यम से रंगमंच की यात्रा, वह यात्रा जो दिन में 100 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक इन्होंने तय करती हैं जब एक बार जाते हैं, आज तक 51 यात्राएं ये साइकिल के ऊपर कर चुके हैं रंगमंच के ऊपर, गांव-गांव जाकर, एक गांव से दूसरे गांव तक, जिस तरह से इन्होंने अपने संवाद में अपनी यात्रा के, रंग यात्रा के बारे में वर्णन किया, वह अकल्पनीय है। हम सोच नहीं सकते कि किस तरह से वह दिन में जाकर उस गांव की सारी संस्कृति को, वहां के खाने पीने को, रहने को, वहां के हीरो को, वहां के उन चरित्रों का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर नाटक तैयार करके दोबारा फिर उस जगह पे जाते हैं और 7,000 लगभग 10,000 किलोमीटर की ये साइकिल के ऊपर रंग यात्रा अपनी संपूर्ण कर चुके हैं, 100 से अधिक गांवों में अपने नाटकों के मंचन कर चुके हैं और इसी को नाम इन्होंने एक इंटीमेट थिएटर का जो दिया है, यह भी एक अद्भुत काम है। जब कभी भी इंटीमेट थिएटर की बात करते हैं, उस स्टूडियो की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एकदम आ जाता है कि वह स्टूडियो थिएटर जो बिल्कुल दर्शक के साथ जुड़ा हो और बहुत क्लोजली रिलेशन बनाता हो। इन्होंने सामाजिक ढर्रे को अपना जो है इंटीमेट थिएटर बनाया, उस गांव में जाकर लोगों के साथ कनेक्ट करके, साथ संवाद करके जो इंटीमेसी बनती है उसे क्रिएट करने का बहुत प्रयास किया है। मुझे लगता है ये सफल प्रयास है। इस तरह की जो परंपराएं हैं हमारे देश की, जो पुरानी परंपराओं से ये मेल खाती है, इसीलिए आप सुबोध जी लंबे समय से इस रंगमंच को लेकर अपनी ही जगह पर काम कर रहे हो और सब दुनिया आपके पास अब आना चाहती है, आपके उस नाट्यग्राम को देखना चाहती है, समझना चाहती है, रिसर्च करना चाहती है, ये आपके विजन का कमाल है। तो अब मैं एक चीज और आपके साथ जानना चाहता हूँ, ये तो कमाल की बात है, ऐसा हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हर प्रदेश का कलाकार अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने ग्रामीण अंचल को संभाल के अगर इस तरह की यात्राएं शुरू करेगा तो लगभग मुझे लगता है कि जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि रंगमंच सर्वाइव नहीं हो पा रहा या रंगमंच कैसे पुनः जीवित होगा, तो मुझे लगता है कि आपने, सुबोध जी ने एक मृत प्राय रंगमंच को संजीवनी देने का जो सफल काम किया है, उसके लिए तो मैं एक बार फिर आपके लिए क्लैप करना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत काम। सुबोध जी, अब एक और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से मॉडर्न इंडियन थिएटर का जो स्टाइल है उसको आपने अपनी सोशल कमिटमेंट के साथ किस तरह से ढाला है। अभी हालांकि आपकी सोशल कमिटमेंट जो है वह आपकी जो साइकिल एक्सपीडिशन से क्लियर होगी, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस मॉडर्न थिएटर का, जिसके हम स्टाइल के बारे में बात करते हैं कि प्रोसीनियम में ही वो बेहतर फल फूल सकता है, तो आप उस सोशल कमिटमेंट को लेकर किस तरह से काम करते हैं या उसके बारे में आपका किस तरह का एक विशेष विजन रहता है? जी सुबोध जी। हाँ जी, आप ये जो सोशल कमिटमेंट का जो बात है, ये एक्चुअली एक पर्सनल कमिटमेंट जैसा होता है। जैसे कि सपोज हमने बहुत पहले नशा के लिए काम, नाटक किया, तो हमने नशा छोड़ दिया सब लोग। हमने चाय कंपनी आके हमारे पश्चिम उड़ीसा के एक बहुत इम्पोर्टेंट पैच में, जहां पे साल भर वर्षा हो बारिश हो रहा था, उसी जगह पे अच्छा चाय होगा ये सोच के जमीन ले लिया, 5 गांव को निकाल दिया आदिवासी गांव को, और वहां पे पुराने पुराने पेड़ सब कट कर दिया और वहां पे चाय का बगान बसा लगाया और उनमें काम करने के लिए आसाम और बिहार से दूसरे लेबरर्स को भी लाया। ये सब जब हुआ, वहां के कुछ लोग उसी को सोशल इशू जैसा
एक माने तो हम हमको बोले कि आप नाटक कीजिए। तो हमने गए और रिसर्च करके जो देखा उसमें से लगा कि हाँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, तो उसको लेके हमने नाटक किया। तो जब नाटक हमने किया तो हम सब लोगों ने पहले चाय छोड़ दिया, क्योंकि रिसर्च ने बताया कि ब्रिटिश जब इधर आए तब इन्होंने ही हमको चाय पीना सिखाया। मुफ्त चाय बांटते हुआ एक वैन घूमता था, कैंप होता था, और लोगों को चाय के बारे में एक कैच लाइन देते थे कि तुम्हारा राजा हमारे साहेब के साथ जब मिलता है ये पीता है, आप थोड़ा टेस्ट करो। तो ऐसे करते करते 10-15 दिन सबको सुबह शाम दे दिया, तो उनका आदत बन गया। आदत बनने के बाद बोला भी ये कैंप बंद हो जाएगा, हम दूसरी जगह जाएंगे। तो दूसरे जगह जाएंगे मतलब लोगों ने बोला नहीं हमको तो लगता है हमको पीना है, तो ठीक है तब तो सीख लो कैसे करते हैं। और उसके बाद वहां पे चाय का दुकान खोल दिया, चाय पत्ती का दुकान खोल दिया। ऐसे करते करते उनका अपना मार्केटिंग बढ़ाए, नहीं तो उड़ीसा में चाय का प्लांट नहीं था, लोगों ने चाय पीना कुछ नहीं जानते थे, ये हमारे कल्चर का ही नहीं था। तो हमको लगा कि अभी हम इस कल्चर में फंस चुके हैं, तो इसीलिए हमने खुद अपने प्रैक्टिस के लिए वो बंद किया, चाय बंद किया। ये कोई महापुरुष बनने के लिए नहीं, एक पॉइंट कमिटमेंट के लिए कि एक हम मंच में बोलेंगे चाय के विरुद्ध और हम खुद खाएंगे चाय, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये जैसा चीज है, ऐसे बहुत सारे चीज को, जैसे कि महिला के बारे में बातचीत होता है, हमने रिसर्च करके देखा कि हमारे जितने सारे नाटक और फिल्म या ऐसे कुछ जगह है जहां पे डायरेक्टर मैक्सिमम मेल पर्सन होते हैं, तो शायद इसीलिए हमारे जो नाटक पुराने कन्वेंशनल ड्रामा जो भी है उसमें दो किस्म का नारी चरित्र आता है सामने। एक होता है सैक्रिफाइसिंग मदर, सैक्रिफाइसिंग सिस्टर, सैक्रिफाइसिंग वाइफ, ऐसा होता है, नहीं तो क्रूकेड जो विलन होता है, विलन को मतलब मदद करता है। तो ये दो कैरेक्टर, एक नेगेटिव है और एक सैक्रिफाइसिंग है, ये दोनों कैरेक्टर को छोड़ के कोई अपना खुद का कुछ मत दान दे, खुद का कुछ अधिकार दिखा बोले, ऐसा कुछ भी एक नाटक हमारे पास नहीं था। तो हमने पहले, हमारा भी जो नाटक लिखने का जो आदत था उसमें हमने सुधार लाया। ये 1993 का मैं बात कर रहा हूं, जब UN ने डिक्लेयर किया ईयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो इसी बहाने हमने कुछ सोशल ओरिएंटेशन कैंप गए थे, ये सुना था, ये एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल से सुना था कि सपोज इंडियंस आर थिंकिंग कि वुमेन शुड बी इनसाइड होम, घर का गृहिणी होना चाहिए, तो आज तक कुछ कोई भी एक घर बनाने के समय में उनको कंसल्ट नहीं किया जाता, उनको और आर्किटेक्ट नहीं बनते हमारे ट्रेडिशनल घर को बनाने के लिए, इसीलिए उनका जो जीवन चलता है किचन रूम में, वो किचन रूम सबसे छोटा होता है बिकॉज इट्स ए मेल डोमिनेटेड आर्किटेक्चर, तो इसीलिए ड्राइंग रूम होता है बड़ा। तो ये जो चीज है, ऐसे ही मुझे लगा कि नहीं हमको सुधार आना चाहिए लिखन में और नाटक के काम में। और 94 में ही हमने पहले बार हमने वुमेन डायरेक्टर्स एंड प्लेराइट्स क्रिएशन के लिए एक वर्कशॉप किया, उसमें से 7 महिलाओं को हमने जो ट्रेनिंग दिया था उनको पैसा भी दिया, और उनको बोला गया था कि आप महिलाओं के बारे में नाटक करें। तो ये नाटक का सबसे पहला वुमेन डायरेक्टर्स प्ले फेस्टिवल वाज कंडक्टेड बाय नाट्य चेतना इन भुवनेश्वर। जब नाटक के अभिनय करने के लिए भी महिलाएं ढूंढा जाता था, तब का मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसे ही हमारा सोशल कमिटमेंट का जो कनेक्शन है, ये ऐसे ही है कि हमारा खुद का आचरण सोशल रिस्पॉन्स जैसा होना चाहिए। हम जो जाते हैं कहाँ कहाँ नाटक करने के लिए, जैसे कि हमारे आ गया एक न्यूज़पेपर में एक अंकर न्यूज आ गया कि मैंग्रोव फॉरेस्ट का लॉस होने के लिए एक सुपर साइक्लोन हो सकता है, ये आ गया। तो हमने जाके रिसर्च किया, उसके बाद उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए नाटक किया। ये आया कि 200 कॉटन फार्मर्स हैव डिक्लेयर्ड दैट इफ द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प देम दे आर गोइंग टू मेक सुसाइड। तो हमने
कलाहांडी के उस जगह पे भी गए, उन लोगों के साथ बातचीत किया, उनको विश्वास दिलाया कि उनको जैसे कि उन्होंने अपना खुद का बात बोले, उसको लेके हमने सुना और नाटक किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब नाटक जो करते थे ये एक्चुअली प्रोपेगेंडा जैसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल स्टोरी बेस्ड नाटक है जो नाटक को बड़ा करके ही हमने शहरवासियों के लिए दिखाते हैं। इसीलिए शहरवासियों के पास हमारा एक बदनाम भी है कि सुबोध का नाटक देखो तो नाट्य चेतना का नाटक देखो तो हर वक्त गांव वालों का नाटक होता है। ये इसीलिए हमने कमिटमेंट भी लिया इसीलिए कि शहर का जो लेखक होते हैं और शहर का जो ग्रुप होते हैं वो तो जरूरी है कि वो कैसे भी हो अपना जीवन को रिफ्लेक्ट करते करते लिखते भी हैं, लेकिन गांव वालों का जीवन के लिए कोई नहीं लिखता ज्यादा, क्योंकि नाटककार जो है वो गांव के साथ ज्यादा अटैच नहीं है। तो धोती वालों का नाटक दिखने को नहीं मिलता, साल में 100 नाटक होता है तो उसमें से 5 नाटक शायद ज्यादा आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5-10 नाटक आएगा जिसमें धोती वाला निकलेगा हीरो बन के, नहीं तो सब फुल पैंट वाला, सब मिडिल क्लास वाला, सब शहरी वालों का जो जितने सारे समस्या है उसके ऊपर नाटक है। तो हमने सोचा कि ठीक है उनके जीवन के लिए नाटक करने के लिए तो कोई है, लेकिन जिनके लिए कोई नहीं है हम उनके लिए काम करेंगे। तो इसीलिए हम गांव में जाते हैं और जो हमने साइकिल एक्सपीडिशन में नाटक करते हैं उसमें पूरा ध्यान देते हैं कि एक एक डिजाइन का नाटक दूसरे डिजाइन से अलग हो। इसीलिए हमारा जो नॉर्मली होता है ना ब्लैक पैंट शर्ट पहन के स्ट्रीट थिएटर कर देते हैं हर कोई नाटक को, ऐसा नहीं है। हमारा जितने सारे नाटक आपने फोटो में भी दिखाया हर एक नाटक का अपना खुद का कलर डिजाइन, खुद का कॉस्ट्यूम डिजाइन अलग अलग होता है, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग ढंग से होता है। आर्टिस्टिकली एवरीथिंग इज डिफरेंट बट आवर कमिटमेंट इज फॉर दैट। तो लास्ट में बोलता हूं कि हमने नाटक को कैप्सूल बोल के हमने कंसीव किया है। मतलब क्या है, पहले तो टैबलेट था, कैप्सूल क्यों बना, टैबलेट तो चलता था, इसीलिए बना कि टैबलेट खाने में जो पेशेंट है उसको बहुत तकलीफ होता था, जीभ जो है वो उतना जल्दी उसको लेता नहीं था, कड़वा लगता था, कुछ ऐसे कुछ लगता था। तो उसको क्या किया गया, उसी पाउडर को एक कैप के अंदर डाल के उसको ऊपर भी शुगर कोटेड भी चलता था, आजकल शुगर कोट नहीं देते हैं, लेकिन उसको डिजाइन करके चॉकलेट जैसा बना के सुंदर जैसा बना के अभी उसको जब देते हैं कोई मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट जो है इजीली खा लेता है, उसको कुछ नहीं लगता। लेकिन जो कैप्सूल बनाता है वो इसीलिए नहीं बनाता कि मेरा कैप्सूल कितना सुंदर देखे, उसका कंपटीशन में मैं हूं, ये इसीलिए नहीं दिखता, इसीलिए दिखता कि कैप्सूल का काम जो है ओरिजिनल वो अंदर जाएगा और फटेगा और उसका जो मेडिसिन है वो रोग को अटेंड करेगा। ये जैसा है ऐसा ही है हमारे नाटक, नाटक को सुंदर बनाओ, उसको इतना ढंग से बनाओ कि जो उपभोक्ता जो है, दर्शक जो है वो बहुत आनंद से लेगा, लेकिन आनंद लेने के बाद जो विषय उसके भीतर है, उस नाटक के भीतर जो विषय है वो विषय को भीतर लेने के बाद वो फटेगा जब, तब वो सोचेगा रात में कि जो देखा उसका जीवन के साथ जो कनेक्शन है वो कैसा है। तो इसीलिए हमारा कमिटमेंट है कि हमारा नाटक कितना अच्छा मेडिसिन हो, इसीलिए हम सब साइंटिस्ट बनना चाहिए, हम सबको कुछ ना कुछ इसी ढंग से करना ही चाहिए। इसीलिए तो भरत मुनि ने अच्छा और बुराई के भीतर युद्ध दिखाया। सुबोध जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और जिस तरह का आपका विजन है, और अभी जो आपने सोशल कमिटमेंट के बारे में बात की कि किस तरह का प्रयोग, किस तरह की मेडिसिन आप देना चाहते हैं और किस तरह का कैप्सूल तैयार करके वह जाए और लोगों के अंदर विचारों का एक कैप्सूल फटे या एक बम फटे विचारों का, और उन विचारों का उस कमिटमेंट को लेके, उस सोशल कमिटमेंट को लेकर या उस हम कहें कि उन बुरी चीजों को छोड़ने के लिए या बुराई जो इवन सोसाइटी में है उसको दूर करने के लिए रंगमंच के माध्यम से आपकी पहली सोशल कमिटमेंट तो अपने साथ है, अपने कलाकारों के साथ है कि यदि कोई वो नशे पे है तो उस नशे को आपने छोड़ा, किस तरह की आपने एग्जांपल दी, चाय बगान वालों के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो पहले खुद चाय पीना छोड़ा ताकि उनके दर्द को, उनकी नब्ज को समझकर ही हम सोसाइटी में कुछ
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये बहुत कमाल की बात है। कि जैसे नाट्य शास्त्र का भी ये है कि अनुसरण तो अपने से शुरू होगा ना, तो वो जब अनुसरण अपने से आपने इस थेरेपी को लेकर काम किया तो कमाल की बात है। अब इसी के साथ में एक चीज और जानना चाहता हूं कि आपने जहां ग्रामीण अंचल को पकड़ा, उनकी जो है कनेक्टिविटी को लेकर पकड़ा, उनकी सोशल कमिटमेंट को लेकर बात की, और जब आप विदेशों में भी जाते हैं, शहर में आप कम, लेकिन जितने शहर से ज्यादा आपने विदेशों का भ्रमण ज्यादा किया है, चाहे आप इंग्लैंड में, यूके में गए, यूएसए में गए, कनाडा में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, श्रीलंका है और नीदरलैंड है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, इन सभी देशों में भी, उन फ्रांस में भी, उन एक्टरों के साथ भी आपने काम किया, तो वो किस तरह का आपका अनुभव था? क्या उसमें भी आपका ये जो जिस तरह का आपका विजन है थर्ड थिएटर को लेकर, साइकिल एक्सपीडिशन को लेकर, इसका भी वहां प्रयोग होता था, या उन एक्टरों के माध्यम से काम करने को आप किस तरह से, आपका क्या वो विशेष अनुभव है, वो जरूर एक मुझे लगता है कि जानना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा हुआ है कि मैंने आज थिएटर डायरेक्टर पहले परसीव किया कि नाटक देखने का चीज है, इसीलिए उसका उपभोक्ता को दर्शक बोलते हैं। जब हम नाटक करते हैं तब हम बोलते हैं कि सुदेश भाई हमने नाटक कर रहे हैं, थोड़ा देखने के लिए आइए, हमने कभी नहीं बोलते कि सुनने के लिए आइए। नाटक एक सुनने का चीज है, ऐसे कभी परसीव नहीं किया गया। सो थिएटर इज फॉर द आईज, इट हैज टू बी अ फूड फॉर द आईज। दैट इज व्हाई ये जो नाटक का जो परिभाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कथित भाषा से ऊपर है। इसीलिए मैं कभी नहीं मानता कि ये उड़िया नाटक है, ये हिंदी नाटक है, ये तेलुगु नाटक है। जब ये कथित भाषा के ऊपर डिपेंड करेगा ज्यादा, तब ये रीजनल लैंग्वेज का रीजनल ड्रामा हो जाएगा। लेकिन हमारा नाटक हर समय इंटरनेशनल होना ही है, होना चाहिए। हम जब साइकिल एक्सपीडिशन करते हैं उड़ीसा में, 61 टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स आर देयर, दे स्पीक 21 डिफरेंट डायलेक्ट्स मदर टंग। जब हम 300 किलोमीटर साइकिल करते हैं और चार जिले में चलता है हमारा साइकिल, तो हमने मिनिमम टू मिनिमम 3-5 मदर टंग क्रॉस करते ही हैं। जब हमारा टीम भी बनाते हैं, गांव से लेके ही लोगों को लेके हम बनाते हैं, कोई ट्रेंड आर्टिस्ट हमारे पास परमानेंट आर्टिस्ट नहीं है, हर एक नाटक के लिए दल लगाते हैं, हम जुगाड़ करते हैं आर्टिस्ट। तो ऐसे ही जो जो है वो आर्टिस्ट लोगों के भीतर भी मदर टंग अलग अलग है। तो इसीलिए हम सोचे कि हमारा नाटक विदेश में भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट हैज टू बी फॉर द आईज। तो ऐसे ही हमने हमारा जो स्टाइल है वो अलग रहा, और ऐसा ही ढंग से हमने किया कि उन्होंने जब कोरिया थिएटर डायरेक्टर एसोसिएशन, साउथ कोरिया के सियोल का थिएटर डायरेक्टर एसोसिएशन, इनका एक प्रोजेक्ट होता है कि हर साल या 2-3 साल के बाद एक बार एशिया के कोई भी डायरेक्टर का अपना खुद का स्टाइल है तो उनको बुलाते हैं और उनको सब कुछ प्रोफेशनली प्रोवाइड करते हैं, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, प्रोफेशनल स्पेस, प्रोफेशनल टाइम, सब कुछ। तो 2.5 महीने के लिए मैंने गया था। और मोलियर का नाटक, एक नाटक देते हैं जो इंटरनेशनल है, तो मैं मोलियर का तरतूफ नाटक को, इन्होंने बोला कि आप अडप्ट कीजिए, इंग्लिश में अडप्ट कीजिए, हम उसको कोरियन लैंग्वेज में डालेंगे। मैंने बोला ठीक है। ऐसे ही करके हमने वहां पे भी नाटक किया। और हमारे जो ढंग है नाटक का, रिहर्सल प्रोसेस जो है, एक ग्रुप मीडियम का जो प्रोसेस है, इसी में डालते हुए हमने ट्रेनिंग करते 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 हमारा नाटक चला। उधर 300 के लिए इन्होंने शेड्यूल किया था, लेकिन इतना डिमांड रहा कि इसका मैटनी शो 2 बार लगाया गया, शनिवार रविवार को 500 का टिकट फुल हाउसफुल बिक्री हो गया था। ऐसे ही बेल्जियम में एक ग्रुप ने हमको एक चैलेंज किया, बोला कि आपने तो बोल रहे हैं कि आपके अदर अलग अलग मदर टंग के साथ काम कर रहे हैं और स्पोकन लैंग्वेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी विल गिव यू 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑन स्टेज, आप काम कीजिए।
लेकिन थीम वाटर के ऊपर कीजिए। तो ऐसे ही हमने रुवांडा अफ्रीका का दो एक्टर, बेल्जियम का फ्रेंच स्पीकिंग दो एक्टर, पैलेस्टाइन का दो एक्टर जो अरबिक स्पीकर है, और हमारे ग्रुप का दो एक्टर जो उड़िया स्पीकर है। हमने 8 लोगों को लेके नाटक किया द ब्लू गोल्ड, और ये नाटक तैयारी करने के बाद ये 43 प्लेसेस इन 5 कंट्रीज इट वाज बीइंग सोल्ड आउट। तो इसीलिए हमारा बात करना ये है कि ओरिजिनल होने से, अलग होने से, और हमारे मिट्टी का चीज को लेके काम करने से ये फायदा है। और हमारे पास सब कुछ है, हमारे भरत मुनि ने हमारा जो इंस्पिरेशन है, भरत मुनि का जो एक्टिंग जो बोला है कि 4 किस्म का एक्टिंग है, एक अंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। इसमें देखिए, अंगिक आंखों के लिए है, वाचिक कान के लिए है, और आहार्य ये भी आंखों के लिए भी है। और ये 3 चीज को लेके आपको इसी स्तर को जाना है, मोमेंटम लेना है, जैसे कि सात्विक या रस उत्पत्ति हो सकता है। अभी 3 भाग से 2 भाग है आंखों के लिए, तो इसीलिए व्हाई वी विल डिपेंड ऑन द ओनली वाचिक। हम सुनाएंगे क्यों नाटक को, हम दिखाएंगे, ज्यादातर दिखाएंगे, इसके साथ खेलेंगे, बॉडी के साथ खेलेंगे, आहार्य के साथ खेलेंगे, और उसको सपोर्ट करना जैसा हमारा वाक्य लगाएंगे। और जब लंबा डायलॉग को छोटा में करने से ज्यादा तकलीफ है, मतलब ज्यादा साहित्य निकलेगा, कवि तो इसमें आएगा, तो वो तो काव्य था पहले, उसको दृश्य काव्य बनाने के लिए उसको कैसे दृश्य बनाएंगे, इसीलिए तो भरत मुनि ने दिया है फॉर्मूला। तो इसीलिए हमने उसी को लेके कैसे हस्त मुद्रा का ज्यादा इस्तेमाल हो मॉडर्न टर्म में, कोई क्लासिकल टर्म में ऐसा 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 कुछ नहीं है, मॉडर्न टर्म में हाथ का कैसा यूज हो, ग्रीवा का कैसे यूज हो, मेरुदंड का कैसे यूज हो, पैर का कैसे यूज हो, आंठू का कैसे यूज हो, ये बॉडी का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका डांस मूवमेंट कैसा कर सकते हैं। ये करने के बाद बाचिक के भीतर भी ओनली संलाप नहीं है, बाचिक के भीतर शब्द भी है, उसका टेक्सचर भी है, तो पीच भी है, वॉल्यूम भी है, बहुत सारे कुछ चीज है। तब क्या होगा, अब देखेंगे कि नाटक में 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं और जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं और अपना बाचिक और आहार्य को लेकर खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली द ऑडियंस इफ दे आर इन फ्रेंच दे विल डब इट इन देयर माइंड, दे विल हैव अ डबिंग सिस्टम इन देयर माइंड टू से गेट इट। हम तो ताजुब हो गए थे, हमारा माटी नाटक जब वामन जी थे मुंबई यूनिवर्सिटी में, उनका बसंत उत्सव में बुलाए थे हमको, तो हमारा नाटक उधर हुआ था, ऑल ऑडियंसेस वर मराठी ऑडियंस, एंड इट्स 1.5 घंटे का नाटक। हमको भी थोड़ा लग रहा था कि समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, जितना भी वो डायलॉग भी उसको समझ नहीं पाएंगे तो क्या होगा, बट टू बेस्ट ऑफ आवर सरप्राइज एवरी मोमेंट दे वर रेस्पॉन्डिंग, द ऑडियंस वॉज रेस्पॉन्डिंग जस्ट लाइक उड़िया ऑडियंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और विदेश में हम जब गए, यूरोप में गए नाटक करने के लिए, तो उन्होंने वहां पे भी हमारा बहुत ज्यादा एंजाइटी था, उनका भी एंजाइटी था। इन्होंने बोला कि भाई आप अपना स्क्रिप्ट भेज दो, हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर है उसको डबिंग कर देंगे और उसको हमने स्लाइड में दिखा देंगे जैसे सबटाइटल होता है। हमने बोला ना, ये हम करने नहीं देंगे, लोगों को हमारा नाटक देखना है, स्लाइड देखना नहीं है, और हमारा नाटक देखने का चीज है, कोई सुनने का नहीं है। So they should enjoy and the it has to be a storyline. So the anxiety should not be declared before कि ये story ऐसा है आप देखो, ये scene ऐसा है देखो, कोई leaflet नहीं distribute होगा कि ये scene में क्या है। ऐसे ही हमने नाटक करते हैं जिसमें हमारा स्वतंत्रता है, हमारे जो इंडिया के अपना खुद का जो आर्टिस्ट है वो विदेशी आर्टिस्ट से अलग है, इसीलिए बिकॉज they are very very good in expressing their body and using their own props and whatever it is. तो हमने अभी डिजाइन में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि आंखों के लिए कितना क्या है और उसके लिए क्या सपोर्ट हो सकता है, संलाप को थोड़ा डाउन करके। तो इसीलिए हमारा साहित्य है जो छोटा छोटा जो भी डायलॉग होता है उसमें साहित्य है, लेकिन लोक साहित्य है।
और वी वांट टू डू थिएटर फॉर द मास नॉट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास. और मास का मतलब ये नहीं कि ओनली मास बोल के अलग कुछ कोई है, ये मास के अंदर ही आते हैं क्लास. तो हमारा नाटक एक बुद्धिजीवी भी को भी अच्छा लगेगा, एक रिक्शा पुलर को भी अच्छा लगेगा, एक अनपढ़ को भी अच्छा लगेगा और समझ पाएगा, और एक पूरा एकदम एक्सपर्ट है, विदेशी है, एक्सपर्ट है, उसको भी अच्छा लगेगा. ये हमारा टारगेट है. अच्छा, जिसे हम कहते हैं जो आपकी सोसाइटी के लिए कमिटमेंट है, जो एक कम्युनिटी के लिए हम बात करते हैं कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए जिस तरह का रंग का एक दर्शन होना चाहिए, पूरा दर्शन का आपने प्रभाव दिया. और खास तौर के ऊपर अपने केवल भारत वर्ष में या अपने प्रदेश के ग्रामीण अंचल में नहीं, बल्कि जब कभी भी आपको विदेशों में भी रंगमंच करने का अवसर मिला, तो आपने अपनी जो है ट्रेडिशन, अपनी परंपरा, नाट्य शास्त्र के आंगिक, वाचिक, आहार या सात्विकता को लेकर वहां के एक्टर के साथ ट्रेनिंग करके उस भाषा को, उस समस्या को जो है लोगों के सामने रखा. मुझे लगता है कि यह हम सबके लिए, पूरे भारत के रंग कर्मियों के लिए गौरव की बात है. जब कभी भी बाहर के रंगमंच की बात आती है तो हमारे ऊपर बाहर का जो रंगमंच है उसका प्रभाव पिछले सदियों से चलता आ रहा है, चाहे वह शेक्सपियर का थिएटर है, चाहे वह ब्रेक्ट का है, और चाहे विदेशी और जितने भी है, चाहे उसका चेखव का है या मेथड एक्टिंग में अगर हम कहें स्पेनिश वास्ती का आ जाता है, तो उससे बाहर नहीं निकलता. लेकिन आपने अपने उस पारंपरिक जो है माध्यम को अपनाते हुए विदेशों में उस तरह का प्रयोग, सफल प्रयोग किया. मुझे लगता है यह भारत के लिए, आपके लिए तो है ही, हमारे भारत के लिए यह बहुत बड़ी गौरव की बात है. हमें सभी कलाकारों को सुबोध पटनायक की इस शैली को, जो उनकी शैली है साइकिल एक्सपीडिशन के, जिनको उन्होंने साइको थिएटर दिया है, जिस इंटीमेट थिएटर को लेकर वह काम कर रहे हैं, और जिस ग्रामीण अंचल में उन्होंने जो है ग्राम बसाया है, नाट्य ग्राम जो है, मुझे लगता है कि ये कल्पना हर रंगमंच की, हर रंगकर्मी की ऐसी इच्छा होगी जो आप जैसा काम करो. बहुत बड़ा आपने अमीर का पत्थर जो है साबित किया. हम आपकी इस यात्रा के दौरान ये भी समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से आपके नाटकों का जन्म होता होगा, तो वो आपकी जिस तरह की साइकिल एक्सपीडिशन के वो यात्रा है, उसी में से कुछ नाटक के जो है विषय आपके पास आते हैं, उसका आप लेखन करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं. फिर भी हम अपने सभी रंगकर्मियों के लिए, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने लगभग 24 के करीब जो है नाटक, शॉर्ट नाटक है, 27 के करीब फुल लेंथ नाटक है, उन नाटकों का विषय, उन नाटकों का आलेख आपके अंदर कैसे पनपता है, या लेखन के कार्य को आप किस तरह से, एक लेखन का जो प्रस्तुति है आलेख की और एक नाट्य की प्रस्तुति, इन दोनों में भी आप किस तरह का अंतर देखते हैं, इसके बारे में तो हम चाहेंगे कि थोड़ी सी जरूर बात. हाँ, मैं ठीक है, मैं थोड़ा पीछे जाके फिर से आगे आता हूँ. पहला चीज ये है कि हमारा एक इस पूरा धारा में हमारा एक अपना मेथोडोलॉजी ऑफ रिहर्सल, अपना मेथोडोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग ए प्ले हमारा डेवलप किया है. उसका एक एक स्टेप जा रहा है, उसमें उसी के अंदर ही लिखना होता है. ऐसा नहीं होता कि मैं पहले से कुछ लिख दिया और उसको नाट्यकार जैसा हमने उसको थोप दिया. ये यूजुअली इट इज ए काइंड ऑफ आउटकम ऑफ द रिसर्च, जहां पे मैं अकेला नहीं जाता, वहां पे और सारे साथियों भी जाते हैं, तो सब मिलके हमने एक इम्प्रोवाइजेशन के तौर पर विचार करते 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 इसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, और फ्रेमवर्क बनाने के बाद उसको मैंने डिस्क्राइब करता हूं अपना नाट्यकार का क्रिएटिविटी लगा के कि ये सीन को इसी ढंग से लेंगे क्या. और मैं परीक्षा देता हूं हर समय, एक एक सीन को लिखता हूं और मैं उसको पेश करता हूं ग्रुप को, ग्रुप अप्रूव करता है, और ग्रुप वहीं पे भी बोल सकता है
कि नहीं ये थोड़ा लंबा लगता है, ये थोड़ा ज्यादा लगता है, ये तो ऐसा नहीं था, ये आपने अच्छा किया, ये इंटरेस्टिंग किया, नहीं तो हाँ हाँ पूरा का पूरा अच्छा लगता है। जो भी उनका मन में खुलापन में होता है ऐसा ही उन्होंने एक्सप्रेस करते हैं। और ये प्रथा लाने के लिए भी हमको थोड़ा तकलीफ हुआ है बहुत पहले पहले से, अभी तक भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि यूजुअली आर्टिस्ट लोगों ने हर समय सोचते हैं कि वो हमारा काम नहीं है, वो राइटर का काम है, ये डायरेक्टर का काम है, ये हमारा कुछ काम नहीं है, हमको बोलो क्या करना है, और आप ज्ञानी हैं हम अज्ञानी हैं। ये जो फर्क है उसको हम मिटाते हैं। हमारा जो पहला पहला जब ग्रुप आता है, ग्रुप के अंदर ग्रुप डायनामिज्म और पक्का ट्रेनिंग होता है क्या क्या चीज होने वाला है और आपको क्या क्या कर सकते हो, तो सबको सेंसिटिविटी जैसा कुछ एक्सरसाइज सेंसिटाइज करने के लिए किया जाता है कि वो खुद डायरेक्टर होते तो क्या करते, वो खुद राइटर होते तो क्या बोलते। ऐसे ही इन्होंने मदद करते हैं, इसी ढंग से वो अप्रूव होते हुए नाटक तैयार होता है। और पहले जब एकदम नाटक भी खत्म होने के लिए भी दो तीन बार वो उसको तोड़ मोड़ हो जाता है, और नाटक जब पूरा का पूरा एक सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस हो जाता है उसके बाद हमको एक अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। और दूसरा ये है कि हमने जब विदेश से भी हमने मिला है, हमको निमंत्रण मिला है, जैसे कि बांग्लादेश में बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ थिएटर आर्ट्स चिटागोंग में हमको बुलाया, बोला कि आप यहाँ पे रहिए, आप कैसे नाटक तैयार करते हैं पूरा कीजिए, आपको ग्रुप दे दिया गया। तो हमने उनको लेके ही वहां का सिचुएशन को लेके ही हमने फिर से गवेषणा किया, वहीं पे नाटक लिखा मैंने अंग्रेजी में और उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया और उनके भाषा में इन्होंने किया। ऐसे ही नेपाल में काठमांडू में सर्वनाम विच इज अ वेरी एमिनेंट एंड वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन काठमांडू, तो वहां भी ऐसे ही किया। वहां का एक मकाई बिक्री करने वाली एक महिला थे, जिस जब मैं जाता था उस ऑडिटोरियम में तब उन्होंने उनके पास से मकाई खाता था, तो वही उन्हीं का ही जो स्टोरी है, अपना गांव अपना घर का अपना जीवन का जो स्टोरी है उसको लेके भी हमने नाटक तैयार किया। पूरा मैंने ही लिखा, उनको सबको लगाया उस गवेषणा में उसका रिसर्च में, और उसके बाद हमने तैयार किया नाटक और उस मकाई वाली को भी दिखाया कि देखो तुम्हारा नाटक कैसे दिखता है। तो ऐसे ही हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में गए हैं जहां पे वहां का काम को कैसे इन्होंने अंदर लाएंगे। हमने बहुत पहले 96 में श्रीलंका में गए थे, एक स्ट्रीट थिएटर एसोसिएशन था वहां, तो उन लोगों ने भी सोचा कि हमसे कुछ आर्टिस्टिक बात सुने और आर्टिस्टिक काम करें, तो हमने आई डिड अ वर्कशॉप ऑफ अबाउट 2 वीक्स, तो वहां पे भी हमने उनको सिखाया कि कैसे जीवन से लेके हमने फिर से कैसे वापस दे सकते हैं उनको रिफ्लेक्शन, और उसी को लेने के लिए अकेला कुछ नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप मीडियम है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो इसीलिए ऐसा होता है कि जब नाटक तैयार होता है, जब उसका क्रेडिट मिलता है तो सब लोग बांट के लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो डायरेक्टर का काम है, राइटर का काम है और हमारा कुछ काम नहीं है, तो इसीलिए सब लोग मिलके ही काम होता है। ये बहुत अच्छी सही बात है सुहोर जी, बहुत बहुत अच्छे ढंग से आपने इस बात को इस विषय को लेकर बताया कि किस तरह से आपका लेखन का कार्य होता है और किस तरह से एक छोटी छोटी एक्सरसाइज को लेकर इम्प्रोवाइजेशन को लेकर उस विषय को लेकर वहाँ की समस्या को लेकर आप एक कलेक्टिवली काम करते हैं और उसमें से जो आलेख निकलता है वही प्रस्तुति का लेख भी होता है, वही नाटक का लेख भी बनता है। बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ बहुत सारे और मित्र जो हैं जुड़े हैं जिनका नाम नहीं लिया गया था, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। सुबोध जी, प्रियंका राजपूत जी हैं हमारे साथ, प्रशांत वर्मा जी हैं, राजू वैद जी हैं, सुमन कुमार साहू, पी दिलीप, रुपेश शर्मा, आशीष शर्मा, विक्रांत सेठ, अर्नव जी, अरविंद कुमार सूरी, रूपी मान, सुप्रिया, सुमंता, यीशु, हरप्रीत सैनी। दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े हुए हैं। अब जाते जाते एक लास्ट प्रश्न आपसे, क्योंकि अब समय हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट हो चुके हैं, तो एक लास्ट प्रश्न। सुबोध पटनायक अपने जीवन में रंगमंच में क्यों और कैसे आए?
एक्चुअली ये एक नाटकीय था, एक जीवन का वो ग्राफ। मैं पढ़ाई में अच्छा कर रहा था तो इसीलिए पिताजी माताजी दोनों ने सोच रहे थे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो साइंस के ऊपर फोकस था बिकॉज बोथ वेयर ऑल्सो साइंस स्टूडेंट्स। पिताजी थे पशु डॉक्टर, वेटनरी सर्जन, और माताजी थे साइंस टीचर। तो ये दोनों ने हम मैं बड़ा बेटा हूँ, चार भाई हैं हम, और उनको लगता था कि एक मॉडल सेटर होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, तो इसीलिए हमने फर्स्ट क्लास भी मिला मुझे मैट्रिकुलेशन में। उसके बाद मैं आईएससी पढ़ा इंटरमीडिएट इन साइंस, उसके बाद इंजीनियरिंग में घुस गया। इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर में मुझे जबरदस्त एक रैगिंग हुआ। जब रैगिंग जबरदस्त हुआ तो मुझे वहां से और मन नहीं लगा, मुझे पिटाई हो गया पूरा 4 घंटे का। तो इसीलिए मैं कभी पिटाई नहीं हुआ था मेरे ऊपर, क्योंकि आई वॉज ए वेरी गुड स्टूडेंट इन माई क्लास एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी गुड इन डिफरेंट लीडरशिप्स। आई वॉज क्लास मॉनिटर, आई वॉज स्काउट लीडर, आई वॉज वेरी एक्टिव इन अदर स्पोर्ट्स एटसेट्रा। तो मैं उसके बाद चला आया तो सडनली आई गॉट दिस एक्सपोजर टू ए पर्सन जहां पे नाटक चलता था, लेकिन दो लोग वहां पे नाटक पढ़ते थे। और उसके बाद सुना कि विजय मोहंती, अजित दास इज द टीचर्स, एंड एट दैट टाइम दे वर वेरी सुपर स्टार्स मूवी में। मैंने सोचा, अरे नाटक में पढ़ाई करने का क्या चीज है, उनको देखना है, उनको कॉपी करना है, नकल करना है, और मैं 6 साल तक दोनों को नकल करता रहूंगा तो मैं जरूर एक हीरो बन जाऊंगा, इतना तो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस है। यही सोच के मेरा जिद हुआ कि मैं नाटक पढ़ूंगा। तो उसके बाद हमने नाटक पढ़ने के लिए घुसे और सोचा कि हमको हीरो बनना है। यही मैं आज भी जमाने में देखता हूं तो मुझे हंसी आता है। जो 40 साल पहले मेरा 80s में, 1980-81 में मैं जब घुसा था इस कोर्स में, तब मैं जो मिस्टेक किया था, आज अभी हजारों लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, लगता है कि हम नाटक करने में स्टार बन जाएंगे। तो मैं भी ऐसे घुसा था। घुसने के बाद जब अंदर गया तो देखा कि अरे अरे अरे, ये दोनों लोग सिनेमा स्टार नहीं हैं, ये दोनों लोग थिएटर का एक्सपर्ट है, और ये कोई दूसरा एक संस्था है, इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बोलते हैं, वहां से पढ़ाई किया है। और वो पढ़ने में उन्होंने एक्टिंग ही पढ़ाई नहीं किया है, उन्होंने फुल थिएटर को पढ़ाई किया है। बिकॉज दे आर हैविंग द नॉलेज ऑफ होलिस्टिक थिएटर, दैट इज व्हाई दे आर सेलिंग ओनली ए पार्ट ऑफ इट विच इज एक्टिंग। उनको डायरेक्शन पता है, उनको सेट डिजाइन पता है, उनको मेकअप पता है, उनको लाइटिंग पता है, उनको सब कुछ पता है, और इसीलिए शायद वो अच्छा एक्टर है, क्योंकि उनको लाइटिंग पता है, तो उनको पता है कि लाइटिंग को लेके कैसे एक्टिंग में खेल सकते हैं, यूज कैसे कर सकते हैं, जो आहार्य का बात है, उनके हाथ में कुछ प्रॉपर्टीज है तो उसको लेके वो खेल सकते हैं कि उसको लेके क्या क्या कर सकते हैं। तो सेट डिजाइन में है तो इसीलिए उनका सेट का जो जो जगह है उसको कैसे यूज करेंगे उनके मन में आता है। तो इसीलिए एक्टिंग इज जस्ट नॉट सिंपली टू जस्ट एक्सप्रेस ओनली विद अ वेरी लिमिटेड नॉलेज, इट इज अ वेरी बिग साइंस। क्योंकि आज मुझे रिक्शा वाला का एक एक्टिंग करना है तो उसका पूरा जीवन शैली मुझे पता होना चाहिए, और कल मुझे डॉक्टर का कैरेक्टर मिलेगा तो पूरा डॉक्टर का पूरा सब चीज मुझे पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टट्टी होता है इसीलिए आया है और मैं उसको स्टेथोस्कोप लेके उसका छाती में कुछ लगाऊं, या क्या मेडिसिन दूं, कितना मेडिसिन दूं, ये सब चीज के लिए मुझे लगा कि आई आई नीड टू बी अ वेरी गुड इन थिएटर फर्स्ट, देन ओनली आई मे थिंक ऑफ सेलिंग ए पार्ट विच इज एक्टिंग इफ इट इज क्लिकिंग। तो इसीलिए हमने, आपके हाँ जो बोलिए। पेरेंट्स वो साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, तो जब आपने स्विच ऑफ किया रंगमंच की तरफ, थिएटर की तरफ, तो फैमिली की सपोर्ट थी आपको? पूरा किक आउट कर बिल्कुल दिया पूरा दे किक्ड मी आउट। माई पेरेंट्स सेड, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट ए ग्रेन ऑफ राइस, यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। तुमको फिर से कॉलेज में जाना है, साइंस कॉलेज में तो जाओ, यहाँ पे पिटाई हो गया तो तुमको इंजीनियरिंग छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, लेकिन बीएससी, एमएससी ऐसा करो, पीएचडी करो,
तो हम सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन मेरा मन में जिद आ गया था कि नहीं, मुझे हीरो बनना है, जैसे होता है यंग टाइम में, 15-16-17 एज का बात है। तो इसीलिए हमने घुस गए, बट आई वॉन्टेड टू शो माई पेरेंट्स दैट इट इज ऑल्सो ए वेरी बिग साइंस, इट इज ए बिग लाइफ साइंस, और यहाँ पे जो काम करेगा वो साइंटिस्ट जैसा ही काम करेगा। तो ये मुझे समझ में आ गया था पहले साल। तो उसके बाद मैं 6 साल तक पूरा एकदम, और मेरे लिए स्टूडियस बनना कोई ताजुब का बात नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टूडियस था, मेरा एक्सपीरियंस था हाउ टू बी ए स्टूडियस स्टूडेंट। तो रात में कैसे पढ़ना, उजागर होके कैसे पढ़ना, लाइब्रेरी को कैसे यूज करना, उसमें कितना नोट करना, ये सब कुछ इतना करते 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 आई बिकेम फर्स्ट इन माई क्लास एंड आई वॉज सरप्राइज, क्योंकि मेरे साथी जो थे 4-6 क्लासमेट्स, सब लोग नाटक के पागल थे और नाटक के लिए ही इधर आए थे। मुझे नाटक का कुछ पता ही नहीं था। आई नेवर हार्ड ऑफ एनी नेम, आई हैव नेवर सीन एनी प्ले, आई हैव नेवर थॉट दैट दीज पीपल आर थिएटर पीपल, द टीचर्स। तो इसीलिए हमने उधर अंदर चले गए, और नाटक के बाद मेरा जब खत्म होने वाला था तब मेरा सिनेमा में एंट्री करने का मन तो था पहले से, और मेरे लिए पैसा रोजगार करने का भी था, तो इसीलिए मुझे सिनेमा अंदर जाने का था। तो 2 सिनेमा में मैं एक्टिंग किया, लेकिन यंग था, इतना मुंह यंग था कि आई बिकेम चाइल्ड आर्टिस्ट इवन दो आई वॉज क्रॉसिंग ग्रेजुएशन। तो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हुए कुछ पैसा तो नहीं मिला। तो उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें से मुझे फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज मना कर दिया गया। तो उसके बाद मैंने डायरेक्शन को शिफ्ट कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, और उसके बाद फिर अगेन आई गॉट इन टू फिल्म डायरेक्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर बन के 2 सिनेमा में काम किया। लेकिन जब असिस्टेंट बना डायरेक्शन में, तब सिनेमा का भीतर क्या हो रहा है वो सब सामने आया। एक्टर जो होते हैं वो बाहर जाते हैं, मेकअप लेते हैं, चले आते हैं, लेकिन भीतर क्या क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, भीतर क्या क्या गोलमाल चल रहा है, ये सब भी सामने आया। और मैं एंजॉय किया बिकॉज ऑन माई फर्स्ट मूवी रामेश्वरी जी जो थे बड़े हीरोइन थे मुंबई का, वो हीरोइन को बुक किया गया था एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ हर। तो आई एंजॉयड हर कंपनी, बट ग्रेजुअली आई बिकेम अनॉयड विद द होल प्रोसेस ऑफ द बैकग्राउंड, हाउ द मूवीज इन कमर्शियल सेक्टर गोज ऑन। तो उसके लिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे कंप्लीट फुल टाइम देना है नाटक। तो 86 में तो नाट्य चेतना हो गया था, तो 87 में ही हमने डिसाइड किया कि आई विल बी ए फुल टाइम। तो अभी तक ऐसा है कि मैं किसी भी एक कमर्शियलाइजेशन का सेक्टर में नहीं जाता हूँ, कोई सिनेमा नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नाटक के भीतर हूँ। और हमारा कोई भी गारंटी नहीं है सैलरी का, कहीं पे हम सैलरी ग्रांट भी नहीं लेते, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हमारे अकाउंट्स में हम सैलरी शब्द इस्तेमाल नहीं करते करेंगे, एंड दिस इज नॉट ए गारंटेड सोर्स ऑल्सो। व्हेन यू से ए सैलरी, देन समबडी थिंक्स अबाउट ए रियल सैलरी, तो ये सैलरी नहीं भी है। तो ये सब कारण हमने सैलरी ग्रांट भी नहीं लेते। तो इसी अनसर्टनिटी में जीना और संघर्ष करते करते नाटक करना, उसका पता नहीं क्यों अच्छा काम करने से शायद भगवान सामने आ जाते हैं, कैसे भी हो। तो 35 इयर्स वी हैव क्रॉस्ड। पर्सनली आई डोंट हैव ए लैंड प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव ए बिग बैंक बैलेंस, आई डोंट हैव ए 2-व्हीलर इन माय नेम, नथिंग इज देयर, बट आई हैव फैमिलीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एनी बड़ा बड़ा जितने सारे शहर है पृथ्वी का, वहीं पे मुझे फेंक दिया जाए तो भी मैं 2 महीना रह सकता हूँ। बहुत अच्छे सुबोध जी, आपसे बात करते हुए अभी भी मन भरा नहीं है, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। जितना कुछ आपके पास भंडार है, और दोस्तों आप सभी ने सुना कि माँ बाप एक साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन साइंस के एक होनहार विद्यार्थी होने के बाद भी इन्होंने खुद भी समझा, अपने पेरेंट्स को भी समझाया कि ये भी एक साइंस ही है, रंगमंच के माध्यम से रिसर्च करना और अपनी एक नई जगह बनाना, ग्राम उदय जो है नाट्य जो ग्राम है उसकी स्थापना करना, किस तरह से नए नए नाटकों के माध्यम से नई नई थेरेपी जो है
साइकिल एक्सपोजिशन के माध्यम से उस यात्रा को लेकर चलना और समाज के अभिन्न अंगों में, जैसे अभी उन्होंने लास्ट शब्द कहा कि दुनिया के किसी भी शहर किसी भी जगह पे जाकर पटक दोगे तो वहां भी 2 महीने में रह पाएंगे और एक नई चीज वहां भी पैदा हो जाएगी। ये है एक्टर, ये है इनोवेशन, ये है क्रिएटिविटी। हम सब में भी इस तरह की क्रिएटिविटी आए जिस तरह से सुबोध पटनायक जी ने अपना रास्ता तय किया, हम भी अपने अपनी जगह की ओर, अपने अपने प्रदेशों की ओर रंगमंच का वह रास्ता तैयार करें और जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, जो नाट्य शास्त्र से हम जैसा कि उन्होंने बात की, जिसके को हम मानते हैं कि सबसे पुराना ग्रंथ वही है नाट्य का, उस परंपरा से लेके आगे बढ़ते जाएंगे। डेफिनेटली कल को हमारा ही और आप सभी रंगकर्मियों का ही दिन होगा जब सब जगह के ऊपर पूरे भारत के साथ पूरे विश्व में रंगमंच का प्रसार आप लोगों के माध्यम से होगा। इसी के साथ आज के TFT रंग संवाद में हम आप सभी का, जितने भी श्रोता जितने भी दर्शक हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या जो बाद में YouTube पे हम सब लोगों के साथ जुड़ेंगे और सुबोध पटनायक जी की रंग यात्रा के बारे में, जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे, जरूर एक नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। सुबोध पटनायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे इसलिए धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मेरे साथी जो हैं, ये कोरोना के दौरान मेरे साथ दिए हैं, 2 साल हो गया है, ये नटी है और एक दर्शक है, ये दोनों कब आमने सामने होंगे, इसी के शपथ लेना जैसा कुछ करके हमने हर समय ऐसे ही आमने सामने होते हैं इस माध्यम से। और आपको बहुत धन्यवाद कि हमने आपने हमको इस सीरीज में बुलाए, ये बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। और मेरा निमंत्रण है, कभी भी आइए, नाट्यग्राम घूम के जाइए। थैंक यू। जरूर जरूर, आपका विशेष धन्यवाद इसलिए दोस्तों कि यह जिस अपने नाट्य चेतना ग्राम से 35 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में, वहाँ नेट की दिक्कत है, उस नेट की दिक्कत को दूर करने के लिए भुवनेश्वर आकर यह रंग संवाद स्थापित किया, इसलिए एक बार फिर आपको धन्यवाद, प्रणाम।